नमस्कार, जननेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। और जननेक्स्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि युवाओं से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रम, उनसे जो उनके विषय होते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान होते हैं और तमाम युवा भी हमारे साथ मौजूद रहते हैं। और ऐसे ही हम विषय आज लेकर आए हैं, विशेष रूप से सक्षम लोगों की जिंदगी में युवा क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं। विशेष रूप से सक्षम लोगों की जिंदगी से जुड़े जो रोजगार के क्षेत्र हैं, उनमें क्या कुछ अवसर ढूंढ सकते हैं हमारे युवा। हमारे साथ खास मेहमान हैं, दीपा मलिक जी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं और ढेर सारे पुरस्कार इनके नाम हैं, ढेर सारी इनको कहना चाहिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से लेकर के तमाम चीज़ों में इनके रिकॉर्ड हुए हैं। और चलती फिरती अगर रिकॉर्ड बुक कहा जाए, इन्होंने एक से एक अचरज भरे काम किए हैं। और उसके अलावा हमारे साथ अनामिका हुई है, ये लेक्चरर हैं इन स्पीच एंड हियरिंग, AYJNIHH संस्थान है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित, उसमें ये लेक्चरर हैं अनामिका हुई जी। उसके अलावा कल्याणी जी हैं हमारे साथ, ये भी लेक्चरर हैं स्पीच एंड हियरिंग AYJNIHH संस्थान में। और उसके अलावा हमारे साथ में श्रुति जी हैं जो सांकेतिक भाषा की प्रशिक्षक है और ये तमाम लोगों को जुबान दे रही हैं, ऐसे लोगों को जो बोल नहीं सकते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हम जो श्रुति हमारे साथ में है, श्रुति जी सांकेतिक भाषा की प्रशिक्षक है, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हमारे सांकेतिक भाषा में यहाँ पर हमारे जननेक्स्ट कार्यक्रम में एक बार लोगों का स्वागत करें। बिल्कुल। बहुत खूब श्रुति जी और सांकेतिक भाषा में इन्होंने एक बार स्वागत किया है जननेक्स्ट में। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करेंगे दीपा मलिक जी से जो कि अर्जुन अवार्डी हैं और ढेर सारे अवार्ड इनके नाम पर हैं। किस तरह से आप इस कार्यक्रम को देखेंगी, यानी लोगों को कैसे सक्षम और बनाने की बात करेंगी? खासतौर पर इसमें मैं जोड़ दूँ कि डिसेबिलिटीज अवेयरनेस वीक भी चल रहा है जी। मैंने पिछले वर्ष भी ये कहा था और ऐसे ही एक मंच से कहा था जब मुझे रोल मॉडल अवार्ड दिया गया, कि मैंने वही कार्य किए जो मुझे अच्छे लगते थे। मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं, मुझे बाइकिंग करना अच्छा लगता है, मुझे स्पोर्ट्स अच्छा लगता है। फ़र्क इतना ही है कि मैंने उसे इस शरीर से किया जो छाती से निचला हिस्सा बिल्कुल अपंग है, स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स आते हैं, बार बार उसकी सर्जरी होती है। एक महिला होते हुए और एक 36 वर्ष की आयु में अपंग होने के बाद ये सब कार्य जब मैं करने लगी, मकसद दो थे। एक, खुद को अच्छा लगता था। दूसरा, एक अपने आप में जब नकारात्मक सोच उठकर आई समाज की, क्योंकि एक धारणा बन चुकी है अपंगता के प्रति कि जो अपंग हैं वो बेबस हैं, वो उदास हैं, और आउटडोर एक्टिविटीज़ नाम की कोई भी चीज़ उनकी ज़िंदगी में शायद नहीं हो सकती, और स्पेशली व्हीलचेयर वालों के लिए तो बिल्कुल ही ना के बराबर। तो अपने आप को एक एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी मिशन पे रखते हुए, और जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी या मैं कर पाती थी, जैसे मैं तैर सकती थी तो नदी पार कर दी, गाड़ी चलाने का शौक़ था तो पहाड़ों में चला के रिकॉर्ड बना दिया, या मोटरसाइकिल का शौक़ था तो एक स्पेशल मोटरसाइकिल चला दी। मकसद एक ही था कि सामाजिक धारणा को, जो एक अपंग व्यक्ति का पोटेंशियल है, उसके प्रति देखने का नज़रिया बदलना था। और मेरे ख्याल से यही जो चीज़ है, अगर समाज में आ जाए, हमें नाकारा, बेबस, उदास जी और निकम्मा या बोझ ऐसा ना समझा जाए और हमारे हुनर को पहचाना जाए। कमी हम में नहीं है, कमी हमारी ओर देखने वाली नज़र में है अगर वो हमें कम समझती है। और दूसरी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर एक्सेसिबिलिटी और एक इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम हर जगह बना दिया जाए और इंक्लूसिव स्पोर्ट्स एक तरीके से हर जगह हम जैसे व्यक्ति पहुंच पाए, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी शिक्षा का क्षेत्र या काम का क्षेत्र या खेल का क्षेत्र है जिसमें हम अच्छे नहीं हो सकते। बहुत खूब दीपा जी। और जिस तरह से दीपा जी ने कहा कि विशेष रूप से सक्षम है, यानी ये बेचारे नहीं है, विशेष रूप से सक्षम है, जैसा कि नाम से ही या शब्द से ही क्लियर होता है कि विशेष तौर पर हुनरमंद हैं और निश्चित तौर पर इनका सम्मान किया जाना चाहिए। दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर हमारे युवाओं को ये एक ऐसा
क्षेत्र है जहां पे ये अपना करियर भी बना सकते हैं। और हमारे साथ में स्पीच एंड हियरिंग के क्षेत्र में लेक्चरर भी हमारे साथ मौजूद है, अनामिका हुई जी। अनामिका जी, किस तरह से, एक तो आप बताइए कि कैसे चैलेंजेस, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब आप ऐसे विशेष रूप से सक्षम बच्चों को क्लासेस देती हैं, उसके अलावा किस तरह से इसको और बाकी हमारे जो युवा हैं वो उसको कैसे करियर के तौर पर ले सकते हैं? शुरुआत में मैं बताना चाहूँगी कि जैसे बाकी जो सक्षम बच्चे हैं उनका, उनके करियर के बारे में पहले मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे स्पीच एंड हियरिंग के ही बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन पे वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बैचलर कोर्सेज, फिर इंडियन साइन लैंग्वेज के ऊपर जैसे स्पेशल एडुकेटर, इन सब की तरह से वो लोग आ सकते हैं कैरियर के तरफ से। फिर जो सक्षम नहीं हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जैसे वेरियस वोकेशनल कोर्सेज हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्सेज हैं हमारे AYJNIHH में करवाया जाता है, अदर जगह भी करवाया जाता है, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज उनके लिए वो भी हैं जी। और हमारे साथ पे इस वक्त कल्याणी जी हैं जो वहाँ पे लेक्चरर हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक तो जिस तरह से अनामिका जी ने बताया कि युवाओं के लिए क्या क्या अवसर हो सकते हैं इसमें, आपसे जानना चाहेंगे आप जब विशेष रूप से सक्षम लोगों को क्लासेस देती हैं तो क्या चैलेंजेस हैं, और क्या एक तरह से कहा जाए इसमें चैलेंजेस के साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि क्या स्पेशल एबिलिटीज आपको देखने को मिलती हैं? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगी, उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि करने की क्षमता, अगर करने की क्षमता किसी में भी है तो वो हमारे लिए चैलेंज नहीं होता है, वो खुद मोटिवेट होते हैं और उनकी उत्सुकता देख करके हम मोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि उनके लिए हमें कुछ कर गुजरना है। जब वो बोलते नहीं हैं और हमें उन्हें बोलना सिखाते हैं, और जब वो दूसरे बार उनके पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मैडम हमारा बच्चा ने माँ शब्द बोला है, तो हमें लगता है कि हम और मेहनत कर सकते हैं, हम उनके लिए और कुछ कर सकते हैं और उन्हें एक दिन इतना सक्षम बना सकते हैं कि उनका जो बेसिक नीड है वो अपना पूरा कर सके और वो अच्छे से दूसरे बच्चों के मुकाबला कर करके अपने आप को चैलेंज महसूस करके आगे बढ़ सके और उनके पथ पर कोई भी बाधाएं ना आए। श्रुति जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप सांकेतिक भाषा की प्रशिक्षक हैं, यानी ऐसे लोगों को जुबान दे रही हैं, ऐसे लोगों को की भाषा को उनके उनके दिल के उद्गार वो हमसे आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन बस उनको एक जुबान देने की जरूरत है, भाषा की एक जरूरत है, एक भाषा की एक पुल की जरूरत है कि हम उनकी अंदर की बातों को कैसे कर पाती हैं ये हाथों से। कहते हैं ना, जो बोल या सुन नहीं पाते हैं उनके जबान हाथ है उनके, वो हाथों से बात करते हैं। आपसे इसमें ये भी जोड़ूंगा कि ये किस तरह से एक करियर हो सकता है हमारे के युवाओं के लिए? बिल्कुल, मैं अपना ही एक बताती हूँ, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, मैंने पहले स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है, उसके बाद मैं डेफ बच्चों को मैं साइन भी करूँगी साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, पहले मैंने स्पेशल एजुकेशन लर्न किया, उसके बाद डेफ स्टूडेंट को पढ़ाती थी। उस टाइम पढ़ाना एक औपचारिकता थी क्योंकि कम्युनिकेशन फेल था। उस समय मुझे लगा कि अगर मुझे सिर्फ औपचारिकता ही, केवल फॉर्मेलिटी करनी है और स्किल सिखाई नहीं सकती उनको, तो मैं क्या करूँगी, तो बेटर है पहले इनसे कम्युनिकेशन मुझे सीखना पड़ेगा। तो उस कम्युनिकेशन को सीखने के लिए पहले मुझे हाथों से बात करना सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमने इंटरप्रेटिंग का कोर्स है जो AYJNIHH में चलता है, डिप्लोमा है 10 महीने का, अभी इसमें बैचलर डिग्री कोर्सेज भी आ गए हैं, ये करना होगा। उसके बाद हम इन बच्चों से जब जुड़ते हैं तो इनकी जो लैंग्वेज है ना उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो इतनी बड़ी है कि आप उसमें जाएंगे तो वो पूरा लाइफ लॉन्ग आप क्या है सिखाने की, ठीक है, कम्युनिकेशन की, वो हम सॉल्व करते हैं। अभी हमारे साथ जो है ये बच्चे बैठे हैं मिथिलेश, और ये अभी होटल लेमेंट्री में डेटा एंट्री का काम करते हैं और वहाँ के सारे बिलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका है। बहुत बढ़िया, मैं अभी इनसे पूछ रही हूँ कि आप लोग का सिनेमा के अंदर बेस्ट हीरो कौन है, हीरो बेस्ट हीरो सलमान खान, अमन उनके हिसाब से सलमान खान इनके बेस्ट हीरो हैं। ये अच्छा। ये जो साइन है ये सलमान खान जी के लिए जी, क्योंकि सलमान खान जी का ये स्टाइल है। अच्छा, आपने देखा कि किस तरह से संकेतों के जरिए एक दूसरे को समझ रहे हैं
और जान रहे हैं अपने अपने अपनी जो संवाद है, जो अपने दिल के उद्गार हैं, वो एक दूसरे को बता रहे हैं। हमारे साथ ढेर सारे और युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से वो इसको अपनी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं। जो हमारा इतिहास है उनको वहाँ का पूरा बता कर किस तरह से हुआ है साइन लैंग्वेजेस के थ्रू, उनको भी वो चीज़ ज्ञान देनी है हमें कि तुम भी इस समाज का एक हिस्सा हो, तुम इससे विभिन्न नहीं हो। जी, हम लोग भी डिप्लोमा कोर्सेज करके और इसके आगे जा कर के अगर कोई भी स्टूडेंट अपने ज़िंदगी में करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढ पा रहा है तो एक ये भी एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। आप साथ में लोगों की मदद भी करते हो और आपको भी एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद भी एक बहुत सेटिस्फैक्शन होता है आप अगर इस फील्ड में जाते हैं तो। जो अपंग खेल हैं जिन्हें हम पैरालंपिक्स कहते हैं और जिसकी मैं एक सदस्य भी हूँ, मैं अभी अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप से लौटी हूँ और रियो ओलंपिक्स के लिए एक क्वालिफिकेशन लेकर आई हूँ। ये भी एक क्षेत्र है जिसको आज के युवा, क्योंकि खेल वैसे भी बहुत युवा ओरिएंटेड एक चीज़ है, इसमें रेफरीज़ की कमी है जी, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स से जुड़े उनकी कमी है, इसमें वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरी खुद की बिटिया जिन्होंने साइकोलॉजी में एमए किया है वो अब आगे चलकर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एमफिल कर रही हैं और लफबरो यूनिवर्सिटी से उनका इनविटेशन आया है, तो उन्होंने भी अपना करियर ये डिसेबिलिटी सेक्टर में चुना है। कहने का अर्थ है कि वॉलंटियर्स की बहुत आवश्यकता होती है जी, हर डिसेबिलिटी क्षेत्र में, तो युवाओं के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में आके काम करने की, चाहे वॉलंटियर बेसिस पे करें, चाहे करियर ऑप्शन में करें, लेकिन जुड़ने की आवश्यकता बहुत है। अभी जैसे बहुत बच्चे हैं जो कि जिनको बोलने की क्षमता है, जो कि एकदम बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत क्षमता है, उनको हम स्पीच थेरेपी दे सकते हैं जो कि हमारे बैचलर ऑफ स्पीच एंड हियरिंग में सिखाया जाता है स्पीच थेरेपी के ऊपर, और हियरिंग क्षमता या कम्युनिकेशन की क्षमता को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, प्रशिक्षण के क्षेत्र में अगर देखा जाए, जिस तरह से आपने कहा कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हैं, प्रशिक्षण के क्षेत्र में यह कहा जाए कि जो पठन पाठन की सामग्री है उसके क्षेत्र में, कल्याणी जी आप बताइए। हमारे इधर जो कोर्सेज होते हैं वो बैचलर्स कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिसमें मेनली हमें ट्रेंड किया, हम उन बच्चों को ट्रेंड करते हैं कि वो कैसे दूसरे को हेल्प कर सकें, मदद कर सकें बोलने में, सुनने में और दूसरे क्षमता में। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल बोल नहीं पाते उनका जो अल्टरनेटिव डिवाइस हम देते हैं वो AAC के थ्रू देते हैं, जो कि हाईटेक डिवाइस होता है, हाईटेक डिवाइस और लोटेक डिवाइस के थ्रू भी। हाईटेक में हमारा बहुत सारा भी है कम्युनिकेशन डिवाइस जिसके के थ्रू हम उनको ट्रेन करते हैं कि जैसे कि एक अभी हाईटेक डिवाइस है टैप टू टॉक, उसमें बहुत सारे डिविजन्स बने हुए हैं जिसमें अपना खुद का फैमिलियर वॉइस रिकॉर्ड करके और उससे हम बताते हैं कि अगर जो कोई बच्चा बोलता है कि बाहर, अब बाहर जाने का भी अलग अलग एरियाज होता है, हो सकता है वो टेंपल जाना चाहे, हो सकता है मार्केट जाना चाहे या दूसरे एरियाज में, तो उनको उसके थ्रू पिक्चर्स के थ्रू उनको ऑप्शंस दिया जाता है कि वेयर यू वांट टू गो, बिकॉज एबल बच्चे हो या डिसेबल बच्चे हो सब लोग अपने भाव को व्यक्त करना चाहते हैं और सब चाहते हैं कि मेरे भाव को रिस्पेक्ट दिया जाए। कभी कभी क्या होता है कि अगर जो हम बोलते हैं कि हमें ये काम नहीं करना है और हमें दूसरा काम करना है, तो बिकॉज वी आर एबल टू स्पीक, बट द चिल्ड्रेन हु इज़ नॉट एबल टू स्पीक, इट्स वेरी चैलेंजेस फॉर देम टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। तो जब उनको अपना आइडियाज़ एक्सप्रेस होता है, करना होता है, तो उसके लिए हम उनको ट्रेन करते हैं एक अल्टरनेटिव डिवाइस जिसको कि हम AAC बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे हाईटेक डिवाइस है जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये आपने एक तकनीक की बात कही, मैं और भी ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से आखिर ये एक रोजगार का अवसर हो सकता है युवाओं के लिए। ऐसा है कि मैं बहुत सारे कॉलेजेस में और IITs में IIMs में अवेयरनेस लेक्चर्स लेती हूँ, ट्राइंग टू कैरी द मैसेज ऑफ एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, और बहुत सारी ऐसे सेमिनार्स में भी गई हूँ जहाँ पे हम एनकरेज करते हैं युवाओं को कि अपने क्षेत्र की एजुकेशन जो वो हासिल कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज को यूज़ करें एक फिजिकली चैलेंज वर्ल्ड के लिए ज़िंदगी आसान बनाने के लिए। मैं इंडिपेंडेंटली
दिल्ली में अब रह रही हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए, मैंने एक प्लग पॉइंट भी अपने बेड साइड पर लगा लिया, मैं उसको ऑन कर देती हूँ, मोटर का पानी भर जाता है, लेकिन वो जब भर के गिरने लगता है वो मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि पानी अक्सर सुबह 4 बजे आता है। फिर मैंने IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स को अप्रोच किया और उसमें से किसी एक वॉलंटियर, मैं थ्रू इंटरनेट मैंने अपील करी और उनमें से एक ने आके वेट सेंसर मेरे ओवरहेड टैंक में लगाया, और जैसे ही इतने वेट का पानी भर जाता है तो वो पानी बहना बंद कर देता है। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे यंग कंप्यूटर इंजीनियर्स जो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जो आपने अभी पठन पाठन की बात करी, उसके लिए बहुत अच्छी एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। जैसे ई बुक्स आती हैं, वैसे कुछ ब्रेल या साउंड ऑडियो के साथ बुक्स उसके ऊपर उनको काम कर सकते हैं, कोई नॉलेज के वेबसाइट्स बना सकते हैं और गैजेट्स कुछ ऐसे बना सकते हैं, कुछ व्हीलचेयर्स बेहतर बना सकते हैं या कुछ सस्ती, कुछ ऐसा आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स कुछ ऐसे मेकशिफ्ट रैंप्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हर क्षेत्र में तो लोग काम कर सकते हैं इसके लिए, बिल्कुल हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं, यानी कि युवाओं के लिए अवसर की कमी नहीं है। और जिस तरह की अभी दीपा जी ने बताया कि तमाम सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप आगे आ सकते हैं, अपने लिए अवसर बना सकते हैं, और सबसे इसमें एक चीज जरूर जोड़ दूंगा कि डेडिकेशन की जरूरत होगी इसमें आगे बढ़ने के लिए। युवाओं को अवसर बहुत सारे हैं और निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में जिस तरह से पूरे यूरोपियन कंट्रीज हैं जो विकसित देश हैं वहाँ पर बहुत सारे अवसर जिस तरह से प्रदान किए गए हैं, उसी तरह से हमारे देश में भी अब दृष्टिकोण बदला है लोगों का और उसको और बदलने की भी जरूरत है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दृष्टिकोण में और बदलाव की जरूरत है, आगे क्या कुछ और बदलाव किया जा सकता है। आपको लगता है कि कुछ जो हमारा एक सोचने का तरीका है, जो विशेष रूप से सक्षम लोग हैं उनके प्रति, उसको बदलने की जरूरत है कहीं ना कहीं, और सम्मान की नज़र से उन्हें देखने की जरूरत है? हमारी जनरेशन जनरली इनको इसी चीज़ से देखते हैं कि ये लोग एक तरह से बोझ है, बट दैट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि ये भी हमारी तरह ही हैं, दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, बस इनको थोड़ी मदद की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों के बीच में। आप कुछ बताएंगे अवेयरनेस की ज़रूरत है? मैंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की हुई है, एज उन्होंने कहा बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ पे स्पेशली ध्यान दें। रैंप्स बना सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सेस इसे कहा जाता है कि इस सबको किसी को अगर बाहर निकलने की ज़रूरत पड़े तो उनको किसी और इंसान की ज़रूरत या मदद ना मांगनी पड़े किसी से, वो खुद ब खुद जा पाएँ, रैंप्स अवेलेबल हों, लिफ्ट्स जैसे आजकल आप मेट्रो स्टेशन में देख रहे हैं, मगर वो भी आप देखेंगे हर मेट्रो स्टेशन में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जो गिने चुने हैं या एयरपोर्ट स्टेशन हैं सिर्फ उनमें अवेलेबिलिटी है कि येलो लाइन्स वगैरह जो आजकल आ रही हैं ये काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। इट्स अ वेरी नाइस एग्जांपल, स्पेशली मेट्रोस इज़ अ वेरी नाइस एग्जांपल, पर उसके अलावा अगर आप रोड पे देखें तो आपको उस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर उनको पटरी पे चढ़ना है तो उनके पास कोई एक्सेस नहीं, उनको मदद मांगनी ही पड़ेगी। तो मैं कहना चाहूँगी कि आज के युवा को इस चीज़ पर ध्यान देनी चाहिए कि उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उनको बोझ तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाए। जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सर हम आजकल देखते हैं कि हमारे जो आजकल के युवा हैं सोशल मीडिया ज़्यादातर यूज करते हैं, जैसे ट्विटर हो गए, फेसबुक हो गए, हम उन लोगों उनके थ्रू हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को जागरूक किया जाए, हैंडीकैप के प्रति उनको जागरूक किया जाए कि वो भी हमारे जैसे ही है और हमारे देश का ही हिस्सा है, तो हमें भी उनके प्रति नज़रिया बदलना चाहिए। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही है, और हमारे साथ एक सांकेतिक भाषा के प्रशिक्षक शालू शर्मा जी मौजूद हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे। जी आप बताइए। सबसे पहले तो मेरा सबको नमस्कार। दूसरा ये कि इन लोगों को इंडिपेंडेंट बनने के लिए हम ही लोग नहीं देते, हम ही लोग हैं जो इन लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं बनने देते। बेसिकली चाहे हम इनको कितना भी सपोर्ट करते हैं बट क्या होता है कि हमारी जो सपोर्ट है वो इनको हेल्पलेस बनाती है, हेल्पफुल नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घर में होते हैं जैसे पेरेंट्स, अरे नहीं 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 बेटा दूसरा बच्चा वो कर सकता है, नहीं तुम खुद नहीं कर सकते तुम्हें मैं मदद कर दूँ, बट ये गलत है। अगर मैं एक बार गलती करती हूँ, दो बार गलती करती हूँ तो शायद मैं तीसरी बार जो करूँगी 50% तो ठीक कर ही लूँगी। तो ये हमारी अपनी सोच है जिसकी वजह से ये लोग आज तक बैक है। एजुकेशन बात को सांकेतिक भाषा में भी कहते रह सकती हैं आप, मैं ये माइक आपको लगा देता हूँ। मैंने बोला कि हम लोग ही हैं जो तुम्हें सपोर्ट कर करके, फोर्स कर करके तुम्हें हेल्पलेस बना देते हैं।
जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट छोड़ देते हैं, तुम अकेले इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हो, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमारी मम्मी है खा ले तू खुद से नहीं खा सकता, जबकि मैं एक बार गलत करूँगी अगेन गलत करूँगी बट थर्ड टाइम तो मैं पास होंगी ना, यस या नो? हाँ या ना बोलो, पास होंगी ना, सही बोल रही हूँ ना? तो यही सबसे बड़ी गलती है। दूसरा एजुकेशन की अगर बात देखी जाए तो बहुत सारी ऐसी सबसे पहले तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने इनके लिए कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है कि ये हम इनका सिलेबस कम कर दें या वो कर दें, वो नहीं किया। उन्होंने सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि जो बच्चे एक साल में नहीं कर सकते उन्होंने इनके लिए 5 साल का लिमिटेशन दिया है कि आपके लिए वही करिकुलम रहेगा, वही स्टैटिक मेथड रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बट आपको ये 5 साल के अंदर कवर कर सकते हो। आप 5 सब्जेक्ट एक साथ नहीं कर सकते तो आप एक एक करके भी कर सकते हो, ये सबसे अच्छी बात रहती है इक्वलिटी के लिए। हम लोग बोल देते हैं कि बोथ आर इक्वल, बट हम लोग सिलेबस को ये करेंगे वो करेंगे, उससे नहीं होता है। अगर हम इसी वही चीज़ इनको भी पढ़ाए, अगर हमने सिलेबस अलग कर दिया तो ये तो हमसे अलग ही हो गए ना, यानी कि अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा जिस तरह की शानू जी ने बताया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, केवल उनको भुनाने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ और यहाँ पर लोग हैं विशेष रूप से सक्षम हैं, आपको लगता है, आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम जिसको कहते हैं जीवन में झंझावातों को, जो तमाम सारी दिक्कतों को झेलने के बावजूद आपको लगता है कि आप विशेष रूप से सक्षम हैं, आप कुछ किसी के लिए रोल मॉडल भी हो सकती हैं, दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है? जी, मैं दिखने में ऐसी हूँ लेकिन कोई ये सोचेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बस थोड़ा सा आगे। हाँ बताइए जी, बोलिए आप, बोलिए जी। सॉरी, नहीं आप बोल रही थी ना कि आप केवल दिखने में ऐसी हैं लेकिन आप बहुत कुछ कर सकती हैं, ये बात आप बता रही थी, आप बात जारी रखिए। जी, मैं कर सकती हूँ और मैं करती भी हूँ। जी, आप कर सकती हैं और करती भी हैं, वास्तव में इसी हौसले इसी जज्बे की जरूरत है कि कर सकते हैं और करते भी हैं। और दीपा जी हमारे सामने एक इसी तरह से जीता जागता उदाहरण बैठी हुई है, और ढेर सारे इस तरह से उदाहरण है, चाहे वो खेलों के हों। अभी इरा सिंघल की बात करें हम लोग, आप सभी के लिए कह रहा हूं कि जिस तरह से IAS टॉपर रही हैं, और कोई ऐसा शायद क्षेत्र नहीं है जहां पर जो विशेष रूप से सक्षम लोग हैं उन्होंने अपने झंडे नहीं गाड़े हैं। हमारे साथ में सांकेतिक भाषा की एक्सपर्ट श्रुति जी हैं, आपसे भी ये जानना चाहेंगे श्रुति जी कि किस तरह से आपको लगता है कि इन ऐसे लोगों में विशेष रूप से जज्बा और हौसला और देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार ये देखने में आता है कि वो थोड़े निराश हो जाते हैं। बिल्कुल, वो निराश तब होते हैं जब उनको लगता है कि लोग उनका आप साइन लैंग्वेज से बात करके बताती रहेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। इन्होंने पूछा कि आप सैड अपसेट व्हेन, मैं बोला व्हेन आप सबको नॉर्मल ऑल देखे कि सपोर्ट हेल्प, तो आप लोग फील गुड नहीं, आप लोग वांट साथ, हेल्प वांट नहीं। इफ मैं बोलूं मुझे ड्राइविंग नहीं पता, मैं ड्राइविंग तो मैं क्या डिसेबल नहीं ना, मुझे ड्राइविंग नहीं पता मैं डिसेबल, अदर पे डिपेंड मतलब मैं सेल्फ डिसेबल, मुझे प्लेन उड़ाना नहीं आता मैं डिसेबल नहीं, आप सुन नहीं सकते सुनना फेल तो आप डिसेबल नहीं, आप हाथ से बात पॉसिबल है ना तो आप डिसेबल कैसे, आप भी तो इक्वल नॉर्मल है ना, आपको प्लेन उड़ाने आता है, गाड़ी चलाने आता है, बाइक चलाने आता है नहीं, तो आप दूसरों पे डिपेंड है आप। सही बात कही, हर जने को सब कुछ नहीं सब आता, कुछ उनको सुनना नहीं है तो वो डिसेबल कैसे हो गए, वो हाथ से बात कर सकते हैं, आप बेचारे हैं, आप डिसेबिलिटी के मारे हैं क्योंकि आप इनको अपनी बात साइन में नहीं बता पा रहे, उसकी तो नॉलेज है, उसकी स्किल है कि वो समझ सकता है। आपको गाड़ी चलाना नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि आप विशेष रूप से आपको कोई किसी चीज़ में आपके अंदर काबिलियत की कमी है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप किसी दूसरी चीज़ में काबिल हो सकते हैं, नहीं आता तो नहीं आता। और एक बचपन से एक इंक्लूसिव एजुकेशन पे काफ़ी जोर देना शुरू कर दिया गया है, एटलीस्ट अर्बन स्कूल्स में और ग्लोबल स्कूल्स में जी इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। मेरा एक निवेदन है एजुकेशन सिस्टम से और इस मंच से सभी को कि जिस प्रकार आजकल सेक्स एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर दे, उसी प्रकार देखिए जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इन चीज़ों को नॉर्मल ले लिया जाता है जी, मुझे शुगर है जी, मुझे BP है जी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जी मुझे पैराप्लेजिया है तो बोलेंगे ओह ये अपंग है। चैलेंजेस सबके साथ हैं,
किसी न किसी लेवल पे, चाहे वो फाइनेंशियल हो सकते हैं, वो इमोशनल हो सकते हैं, फिर वो शारीरिक भी हो सकते हैं. तो उसको एक स्पेशल कैटेगरी ना बनाकर एक एक्सेप्टेंस में लिया जाए. मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा समाज को डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ की तरफ एजुकेट होने की ज़रूरत है, ताकि उनके लिए कोई भी डिसेबिलिटी या कोई भी ऐसा चैलेंज एक कहते ना अचंभा ना बन के उभरे, क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज टुवर्ड्स दैट. तो हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही. हम अपने सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, दीपा जी आपका, अनामिका जी आपका, कल्याणी जी आपका और श्रुति जी आपका भी, और अपने साथ में सभी युवा साथी जो हमारे साथ आए और उन्होंने इस चर्चा को सार्थक बनाया, इन सब का भी धन्यवाद. और ये उम्मीद करेंगे कि यहाँ के साथ आप एक सार्थक संदेश लेकर जाएंगे समाज के बीच पे, ये बताने के लिए कि हमारे साथ में जो विशेष रूप से सक्षम लोग हैं वो वाकई सक्षम हैं, हुनरमंद हैं, काबिल हैं और हमसे ज़्यादा संघर्षशील हैं, उनको आदर और सम्मान देने की ज़रूरत है. तो हम अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे. तब तक दीजिए हमें इजाजत. नमस्कार.